Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. हेलो, नमस्कार। मैं हूँ रेखा सिंह और आप देख रहे हैं संडे ई मैगजीन फुल बार। नया दिन, नई सुबह, नई ऊर्जा से भरपूर संडे को मनोरंजक बनाते हैं। आप जानते हैं कि वैश्विक महामारी कोरोना आज गली गली में फैल चुका है। फिर से हम लॉकडाउन की स्थिति में आ गए हैं। अपनी सेहत का, अपनी फिटनेस का, खान पान का ध्यान रखकर ही हम हर बीमारी से लड़ सकते हैं। खुद का ख्याल रखना यानी सेल्फ केयर, इसका मन पर बहुत गहरा और सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आइए सुनते हैं हमारी टीचर्स का इस संबंध में विचार। कोरोना जैसे महामारी से यदि आपको बचना हो तो घर में रहें, स्वस्थ रहें। यदि किसी कारणवश आपको घर से बाहर जाना हो, जैसे सब्जी लाना हो, फल लाना हो, या घर के किसी भी आवश्यक कार्य से अगर आप घर से बाहर निकले तो इस तरह के मास्क का प्रयोग आप करें। ये हमें कोरोना जैसे घातक महामारी से हमें बचाएंगे। इस तरह आप मास्क का प्रयोग करें। ये मास्क हमें कोरोना जैसे वायरस से हमें बचाता है। सुप्रिया जी, आपकी क्या राय है? कोरोना वायरस से बचाव का सर्वोत्तम उपाय है सोशल डिस्टेंसिंग। तो जब तक आवश्यकता ना हो घर से बाहर ना निकले, और यदि बाहर निकलना पड़े तो पूरी एहतियात बरतें और दो लोगों के बीच कम से कम 2 से 3 मीटर की दूरी बनाकर रखें, ताकि एक दूसरे को हम प्रभावित ना कर सके। इस बारे में आपका क्या कहना है चैताली मैम? कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए हमें प्रति 1 घंटा के अंदर हाथ को साबुन से साफ करते रहना है। साबुन को 20 सेकंड तक अपने हाथों में रगड़ना है। इस तरह से इसकी तरीका है। 20 सेकंड तक आपको ये क्रिया करना है, साबुन से हाथ धोना है। ऐसे हम कोरोना के संक्रमण से बच सकते हैं। कोरोना को बीजाणु नष्ट हो जाते हैं साबुन से। फिर आप हाथ को धो लीजिए। इस तरह आप एक तरीका है कोरोना संक्रमण से बचने के लिए। इसके आगे का उपाय आप प्रियंका से सुनिए। अगर आप अपने घर से किसी काम से बाहर जा रहे हैं और वहां हाथ धोने के लिए साबुन पानी ना हो, तो आप अपने पर्स में या पॉकेट में सैनिटाइजर जरूर रखें। इसके उपयोग से हाथ के बैक्टीरिया और वायरस मर जाते हैं। सैनिटाइजर चाहे तो आप घर पर भी तैयार कर सकते हैं या मार्केट से भी ले सकते हैं। कोई भी बाहरी चीज छूने से पहले और छूने के बाद इस तरह दो बूंद अपनी हथेली पर लेकर हाथों को कम से कम 20 सेकंड तक सैनिटाइज कर लें आगे पीछे और सुखा लें, और इस तरह आप कोरोना वायरस को फैलने से रोक सकते हैं। अब रूबी मैम आपको कोरोना से बचाव के और भी तरीके बताएंगी। अगर रहना है कोरोना से दूर तो सुबह एक बार अदरक, लौंग, तुलसी, तेजपत्ता, अजवाइन मिला के बना ले एक काढ़ा और उसे दिन में पी जाए 3 बार। अगर ना हो सके आपसे ये तो ले गर्म पानी और उसमें डाले नींबू, उसे पी जाए दिन में 3 बार। ऐसा करने से हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और कोरोना हमसे दूर रहता है। रिनी जी, आप बोलिए। अगर आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है, यानी कि 60 वर्ष की आयु से ज़्यादा के कोई सदस्य, या फिर ऐसे कोई सदस्य हैं जिन्हें डायबिटीज़, किडनी से जुड़ी हुई कोई बीमारी, या फिर ब्लड प्रेशर जैसी कोई बीमारी है, तो उन्हें घर से निकलने के लिए बिल्कुल मना करें। हम जितने शिद्दत
और नियम से इन नियमों का पालन करेंगे उतनी ही जल्दी हालात सामान्य होंगे और हम फिर से उस तरह की दुनिया में लौट सकेंगे जहां बच्चों की खिलखिलाहट को मास्क नहीं रोक पाएगा, हमारा कामकाज गति पकड़ लेगा, अर्थ का पहिया फिर से घूमने लगेगा। अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, सकारात्मकता की भावना बना के रखिए और अंधविश्वासों से अफवाहों से पर ध्यान ना दें। टीचर्स ऑफ फुलवारी समूह द्वारा बनाया गया एकेडमिक वीडियोस बच्चों के बीच काफी लोकप्रिय हो रहा है। आइए सुनते हैं बच्चों की जबानी, उन्हें कैसा लग रहा है ये वीडियो। मेरा नाम कश्यप कुमारी है, मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। मैं मध्य विद्यालय कुथौल में पढ़ती हूँ। टीचर्स ऑफ फुलवारी में जो मैम लोग वीडियो भेजती है वो मैं रोज देखती हूँ और मुझे समझ में भी आता है और मैम लोग अच्छा से भी समझाती है, इसलिए मैं रोज देखती हूँ वीडियो। मेरा नाम बिट्टू कुमार है, मैं क्लास 7 पढ़ता हूँ। मेरा मध्य विद्यालय कुथौल है। टीचर ऑफ फुलवारी समूह द्वारा वीडियो देखता हूँ और मैम लोग अच्छा से पढ़ाते हैं और मुझे समझ आता है। नाम साहिल कुमार है, मैं क्लास 7 में पढ़ता हूँ। मैं मध्य विद्यालय कुथौल में पढ़ता हूँ। टीचर ऑफ फुलवारी मैम वीडियो बनाकर भेजती है, मैं उसे रोज देखता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मैम लोग अच्छा से समझाती है, मैं अच्छा से समझता हूँ, मुझे लगता है ऐसे मैं स्कूल में पढ़ रहा हूँ। मेरा नाम मुनी कुमारी है, मैं क्लास 7 की छात्रा हूँ। मैं उत्कर्मित मध्य विद्यालय मखदूमपुर में पढ़ती हूँ। मेरे टीचर ऑफ ग्रुप जितने भी व्हाट्सएप पे पढ़ाई वीडियो बनाते हैं वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, हर एक विषय का। मेरा नाम राखी कुमारी है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरा क्रमांक 4 है। मेरे विद्यालय का नाम उत्कर्मित मध्य विद्यालय मखदूमपुर है। टीचर्स ऑफ फुलवारी के समूह द्वारा बनाए गए सभी वीडियो बहुत अच्छे हैं। सभी विषयों की पढ़ाई इस वीडियो के माध्यम से इस तरह से होती है कि हमें लगता है कि हम विद्यालय में बैठ कर ही पढ़ रहे हैं। मेरा नाम मीरा कुमारी, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। क्रमांक 72 विद्यालय का नाम उत्कर्मित मध्य विद्यालय मखदूमपुर। आज मैं इस वीडियो में कुछ कहना चाहती हूँ। टीचर ऑफ फुलवारी समूह द्वारा बनाए गए सभी वीडियो बहुत अच्छे हैं। सभी विषयों की पढ़ाई इस वीडियो के माध्यम से, हमारा मानना है कि आगे भी इस तरह की पढ़ाई होती रहनी चाहिए जिससे हमारी पढ़ाई अबाध गति से चलती रहे। धन्यवाद। चेहरा मनुष्य का के व्यक्तित्व का आईना होता है। योग सेक्शन में श्रीमती चैताली बनर्जी हमें बता रही हैं कि किस प्रकार कुछ आसान एक्सरसाइज करके हम इसे और सुंदर और एवं आकर्षक बना सकते हैं। पहला शुरू करते हैं क्रिया। सबसे पहले हमें हवा को मुंह में भरना है, वायु को, और मुंह में उसे घुमाना है। देखिए मैं कैसे कर रही हूं। ऐसे 2-3 बार करना है। इस तरह से अंदर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। अब वायु को अंदर लेके मुंह में भर के मुंह को लॉक लगाना है। देखिए मैं कैसे कर रही हूं। इस तरह से त्वचा जो है वो खींचेगा और इसमें अंदर से ब्लड सर्कुलेशन होगा जिससे हमारी त्वचा को बहुत राहत मिलता है, रक्त संचारण ज्यादा होता है। ये क्रिया करने के बाद हम चेहरे को थोड़ा आराम देंगे, सांस खींचेंगे, छोड़ेंगे। अब हम चेहरे में मसाज करेंगे अपने हाथ से थपकियों के द्वारा। ये भी एक बहुत बढ़िया मसाज है जिसे मैं दिखा रही हूं आप लोगों को।
इस तरह से आप चेहरे में थपकी लगाएंगे और इससे मेरा हमारा चेहरा जो है ब्लड सर्कुलेशन को ज्यादा करेगा, चेहरे लाल भी हो सकते हैं और गर्म भी होगा, तो ये चेहरा ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो रहा है आपको महसूस होगा। ये काम करने के बाद आपको अगला क्रिया में भ्रामरी प्राणायाम जो पहले बताई थी उसे पुनः कीजिए। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए चेहरे को ढकिए, सांस खींचिए, छोड़िए, ये भ्रामरी क्रियाएं कीजिएगा जो हमारे चेहरे के लिए है, एक खूबसूरत त्वचा के लिए है। अब अगला आपको करना है चेहरे में को ताप देना है, चेहरे को गर्मी प्रदान करना है। हाथ को रगड़िए, चेहरे में डालिए, पुनः हाथ को रगड़िए, ऐसे चेहरे में डालिए, इस तरह से चेहरे में ताप देना है, चेहरे में गर्मी देना है, जिससे त्वचा को आराम मिलता है। इसके अलावा आपको ये वाली जो हिस्सा है इसको टाइट करने के लिए एक एक छोटी सी क्रिया बता रहे हैं। इस तरह से कीजिएगा, इस तरह से ये पोर्शन आपको टाइट होगा। इसके अलावा ये पोर्शन जो है इसको टाइट करने के लिए आपको बताती हूं। इस तरह से क्रिया कीजिए तो ये पोर्शन जो है वो आपको ग्लो करेगा, चेहरे में ऑयली अगर स्किन हो गया है वो कम होगा। इस तरह से आप चेहरे के तरह तरह एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके अलावा मैं फिर और भी एक्सरसाइज लेके आपके सामने उपस्थित होंगी। बस आज इतना ही तक। पेंटिंग सेक्शन में देखिए फिंगर पेंटिंग से बनाया गया एक बहुत ही आकर्षक सीन जिसे बना रहे हैं श्री कौशल किशोर जी। टीचर्स ऑफ फुलवारी में आपका स्वागत है। आज संडे को मनोरंजनात्मक बनाने के लिए हम फिर से फिंगर पेंटिंग लेकर आए हैं, जो एक मनोरम दृश्य का चित्र है। इसे आप लोग बनाने का प्रयास करें और अच्छे प्रकार से देखें। पहले तो हम ब्लू कलर लेंगे। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की धुन पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा धुन उठा के दौड़ा। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की धुन पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा धुन उठा के दौड़ा। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की धुन पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा धुन उठा के दौड़ा। दौड़ा दौड़ा दौड़ा
ये मनोरम दृश्य कंप्लीट हो गया है। मुझे विश्वास है कि आप लोग को पसंद आया होगा और बहुत ही आसान तरीके से आप सीख गए होंगे। आपका दिन शुभ हो, इसे प्रयास कीजिएगा, संडे को मनोरंजनात्मक बनाइएगा। धन्यवाद। घोड़ा अपना तगड़ा है। आज सुनते हैं एक सुमधुर प्रेरक गीत जिसके बोल हैं, ये मत कहो खुदा से। इसे आवाज दे रही हैं श्रीमती ज्योति कुमारी। आइए सुने और आनंद उठाएं। जब साथ है हमारे वो सर्वशक्तियों से, जब साथ है हमारे हर काम उसके रहते, हर गिरा पड़ा है कभी हार नाना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ कभी हार नाना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। प्रेरक कहानी में लियो टॉल्स्टॉय की सुप्रसिद्ध कहानी का हिंदी रूपांतर, जिसका शीर्षक है कितनी जमीन, जिसे सुना रहे हैं श्री सुधीर वर्मा जी। आइए सुनते हैं ये कहानी। एक गांव में दीना नाम का किसान रहता था। वह अपनी पत्नी के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन उसकी पत्नी की बड़ी बहन
जो शहर में रहती थी और एक सौदागर की पत्नी थी, उससे मिलने उसके गांव आई। बड़ी बहन ने अपनी अमीरी और ऐशो आराम की जिंदगी का घमंड पूर्वक वर्णन अपनी छोटी बहन से किया। छोटी बहन को उसकी बातें अच्छी नहीं लगी। दीना को भी उसकी बातें चुभ सी गई। उसने सोचा कि उसे भी और अमीर बनने का प्रयास करना चाहिए। एक दिन उसे पता चला कि नदी पार नई बस्ती बस रही है। वहां बसने वाले सभी लोगों को मुफ्त में जमीन दिया जा रहा है। दीना ने अपना सब कुछ बेच दिया और परिवार के साथ वहां रहने चल पड़ा। उसे वहां काफी उपजाऊ जमीन मिली। उसने नए सिरे से गृहस्थी शुरू कर दी। उसने खूब मेहनत की। अब वह पहले से काफी खुश था। अब उसके पास काफी जमीन थी, अच्छा घर था, ढेर सारे मवेशी थे। जमीन एवं मवेशियों की देखरेख के लिए नौकर चाकर थे। कुछ दिन तक तो सब ठीक ठाक चला, लेकिन धीरे धीरे दीना की इच्छा बढ़ने लगी। उसे अपनी जमीन कम लगने लगी। वह जमीन बढ़ाने के लिए दिन रात उधेड़ बुन में लगा रहता। एक दिन एक सौदागर दीना के पास आया। बातों ही बातों में उसने बताया कि दूर नदी पार कोलों की एक बस्ती है। वहां इतनी उपजाऊ जमीन है कि महीनों चलते जाओ चलो पर पार न पाओ। दीना के मन में सौदागर की बात बैठ गई। उसने वहां जाकर जमीन देखने की ठानी। उसने कुछ पैसों का इंतजाम किया, एक नौकर को साथ लिया और चल पड़ा जमीन देखने। एक सप्ताह लगातार चलकर दीना कोलों की बस्ती में पहुंचा। वहां की जमीन देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कोलों के सरदार से जमीन खरीदने की इच्छा जताई तथा जमीन की कीमत जाननी चाही। सरदार ने कहा, हमारी जमीन की कीमत है एक दिन का 1,000। दीना को उसकी बात समझ में नहीं आई। वह बोला, दिन का हिसाब कैसा, यह बताइए कितने रुपए प्रति एकड़। सरदार ने कहा, यह सब गिनना हमसे नहीं होता, हम तो दिन के हिसाब से बेचते हैं। जितनी जमीन एक दिन में पैदल चलकर तुम नाप लो वह तुम्हारी। दीना अचरज में पड़ गया। कहा, एक दिन में तो बहुत सारी जमीन को घेरा जा सकता है। सरदार हंसा, बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन एक शर्त है। अगर तुम उसी दिन सूरज ढलने के पहले उसी स्थान पर नहीं आए तो तुम्हें न जमीन मिलेगी न तुम्हारी रकम। दीना ने खुशी खुशी शर्त मंजूर कर ली। दूसरे दिन प्रातः जमीन घेरने की बात तय हुई। दीना को रात भर नींद नहीं आई। वह बिस्तर पर पड़ा पड़ा जमीन आसमान के सुलाबे मिलाता रहा। सुबह वह जल्दी उठा, नौकर को जगाया, कोलो एवं सरदार को साथ लिया और जमीन नापने पहुंच गया। सरदार ने दूर तक फैले मैदान की तरफ हाथ उठाकर दीना से कहा, जहां तक तुम्हारी निगाहें जाती हैं वहां से भी आगे हम लोगों की जमीन है, उसमें से जितनी तुम चाहो घेर लो। सरदार ने अपने सिर की टोपी उतारी और एक ऊंचे स्थान पर रख दी। कहा, यह निशान रहा, यहां से चलना शुरू करो और सूरज ढलने के ठीक पहले यहीं आ जाओ, जितनी जमीन चल लोगे उतनी तुम्हारी। दीना ने रुपए निकाले और गिनकर टोपी पर रख दिए। फिर उसने आस्तीन चढ़ाई, पानी लिया, निशान लगाने के लिए फावड़ा लिया और चल पड़ा। दीना तेजी से बढ़ता जा रहा था। उसके बदन में अजीब सी फूर्ती आ गई थी। हर तरफ जहां उसकी निगाहें जा रही थी अच्छी जमीन ही दिखाई पड़ रही थी। वह सोच रहा था, इतनी अच्छी जमीन हाथ से जाने देना मूर्खता होगी, मुझे ज्यादा से ज्यादा जमीन घेर लेना चाहिए। यह सोचकर वह बदहवास दौड़ने लगा। वह थोड़ी दूर चलता, फिर रुककर निशान लगाता, फिर तेजी से चल पड़ता। उसका शरीर पसीने से लथपथ हो रहा था। वह थककर चूर हुआ जा रहा था। प्यास के मारे उसका बुरा हाल हो रहा था। उसका मन कर रहा था कि थोड़ा आराम कर ले, लेकिन कहीं नींद न आ जाए,
यह सोचकर वह सिर्फ पानी पीता और चलता चला जा रहा था। सूरज ढलने लगा था। उसने काफी जमीन घेर ली थी। अब उसने लौटने का निश्चय किया। तभी उसकी नजर काफी हरी भरी और उपजाऊ जमीन पर पड़ी। उसका लालच बढ़ने लगा। वह और तेजी से दौड़ने लगा। सूरज तेजी से ढलता जा रहा था। उसके दिल की धड़कन तेज होने लगी। वह तेजी से मुड़कर लौटने लगा। वह काफी थक गया था। उसका मन आराम करने को कर रहा था, लेकिन यह सोचकर कि उसकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी, लोग हंसेंगे। वह हर हाल में सूरज ढलने के पहले निर्धारित जगह पर लौटना चाहता था। उसने कमीज उतार कर फेंक दी। वह लगभग दौड़ने लगा। उसकी टांगे जवाब दे रही थी। उसके पैर जगह जगह से छिल गए थे। उसका एक एक कदम भारी पड़ रहा था। उसकी छाती जोर जोर से धड़क रही थी। आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। सूरज प्रतिक्षण तेजी से ढलता जा रहा था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर तेज दौड़ लगाई। अब उसे अपने नौकर और कोलों की आवाज सुनाई पड़ने लगी। वे जोर जोर से आवाज लगाकर उसे बुला रहे थे। अब उसे जमीन पर रखी टोपी दिखाई पड़ने लगी थी। उसने ऊपर देखा। सूरज अब डूबा तब डूबा की स्थिति में था। उसने पूरी ताकत लगाई, लंबा कदम बढ़ाकर टोपी छूली और मुंह के बल जा गिरा। वाह, खूब रही, खूब रही, तुमने कितनी सारी जमीन घेर ली, सरदार चिल्लाया। दीना का साथी दौड़ कर आया। उसने दीना को उठाना चाहा, लेकिन दीना मर चुका था। कोल हंस रहे थे। दीना के साथी ने फावड़ा उठाया, उसके लिए कब्र खोदी। कुल 2 मीटर जमीन काफी थी जो उसे नसीब हुई। सीख: सब कुछ पा लेने की महत्वाकांक्षा आदमी को कहां से कहां पहुंचा देती है। अंत में हाथ कुछ भी नहीं आता सिवाय पछताने के। अतः कहा गया है, संतोषम परम सुखम। पहला प्रश्न: महाभारत के अध्यायों को क्या कहा जाता है? आंसर है पर्व। दूसरा प्रश्न: श्री कृष्ण के शंख का क्या नाम था? आंसर है 5 जन्य। तीसरा प्रश्न: अभिमन्यु के पुत्र का क्या नाम था? आंसर है परीक्षित। चौथा प्रश्न: गुडाकेश महाभारत में किसका नाम था? आंसर है अर्जुन। पांचवा प्रश्न: कर्ण के पिता का क्या नाम था जिसने बाल्यावस्था में उसका पालन पोषण किया था? आंसर है अधीरथ। किसी ने ठीक ही कहा है कि ऊपर उठने में वक्त लगता है, फिर चाहे सूरज ही क्यों ना हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये अंक आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगले अंक में फिर मिलेंगे कुछ मनोरंजक कहानी और गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, जागरूक रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। नमस्कार।